आज भाई हम लोग तीन सीरीजों के बारे में बात करेंगे। दो का हम लोग रिव्यू करेंगे और एक का अपडेट जानेंगे। सीरीज कौन कौन सी है ये सुन लो। सबसे पहले तो हम लोग योगिनी सीरीज की बात करेंगे जो हिट प्राइम पर आने वाली है। उसके बाद फिर दमाजी सीजन टू का हम लोग ट्रेलर रिव्यू करेंगे। इसके बाद उल्लू ऐप पर आई प्रिया गामरे का सीरीज का रिव्यू करेंगे। तो चलिए फटाफट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हिट प्राइम भाई अब नहीं रुक रहा है, सीरीज पर सीरीज ला रहा है। एक सीरीज और आने वाली है जिस सीरीज का नाम है योगिनी। मैंने इसका पोस्टर देखा और पोस्टर पे मुझे एक नई एक्ट्रेस देखने को मिली है। अभी एक्ट्रेस का नाम क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पे चांसेस काफी ज्यादा है ये सीरीज सीन के मामले में काफी ऊपर जाए। सीरीज की एक्ट्रेस पर आप लोग नजर डालो तो ये कुछ अनारकली टाइप नजर आ रही है। हो सकता है ये ठुमके वुमके लगाते हम लोगों को सीरीज में दिखे और इसी के साथ साथ सीरीज में सीन भी हो, लेकिन एक्चुअल स्टोरी क्या है ये मुझे भी नहीं पता। बात रही यहाँ पे सीरीज के रिलीज डेट की, तो जैसे ही दामाद जी का सीजन 2 खत्म होगा वैसे ही ये सीरीज स्ट्रीम करना स्टार्ट कर जाएगी। आई मीन 23 अगस्त को ये सीरीज रिलीज हो जाएगी और 2-3 दिन पहले आप लोगों को इस सीरीज का ट्रेलर देखने को मिल जाएगा। तो इंतजार रहेगा इस सीरीज का भी। चलिए अब दामाद जी सीजन 2 ट्रेलर की रिव्यू कर लेते हैं। भाई भाई मैं ट्रेलर देख कर आ रहा हूँ और यकीनन ट्रेलर यहाँ पे बढ़िया है। पता चल रहा है कि पार्ट 2 भी आएगा तो काफी मजा देगा। सीरीज में जो सासू माँ का रोल प्ले कर रही हैं उनका नाम मुझे पता चल गया, हेमा राजपूत है इनका नाम। गुरु हम लोगों को इस पार्ट 2 में बस इन्हें ही देखना है। और भी एक्ट्रेस होंगी, सीन के मामले में ऊपर जाएंगी, लेकिन ये एक्ट्रेस देख लेना इस बार भी काफी कड़क जाने वाली है। इंतजार रहेगा मुझे इस सीरीज का भी। दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, रिव्यू उसी दिन पहुंच जाएगी जिस दिन ये सीरीज रिलीज होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग सोना सीरीज की जो उल्लू ऐप पर रिलीज हुई है। तो आज है ट्यूजडे और आज के दिन ही ये सीरीज रिलीज हुई है। इसमें गाइस आप लोगों को 4 एपिसोड देखने को मिलते हैं जिसकी टाइम ड्यूरेशन 20 से लेकर 24 मिनट के बीच आप लोगों को करके दिखाई जाएगी। मैंने इस सीरीज का ट्रेलर रिव्यू किया था और बताया था कोई जाए ना जाए प्रिया गामरे सीन के मामले में ऊपर जाएंगी, लेकिन यहाँ पे गाइज मैं गलत निकला। सारे एक्ट्रेस के सीन यहाँ पे ओके ओके टाइप ही देखने को मिले। क्या पता भाई उल्लू को क्या हो गया है, आखिर ये लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। हिट प्राइम इतनी अच्छी जा रही है, इनको भी ऊपर अब आ जाना चाहिए। सारी की सारी ही सीरीज यहाँ पे ओके ओके ही जा रही है इनकी। इस सीरीज को ही देख लो, सीरीज का स्टोरी थोड़ा आप लोगों को अच्छा देखने को मिलता है, वरना सीन के मामले में ये सीरीज काफी नीचे है। चलो नीलम भानु साली को आप लोगों को सही तरीके से नहीं दिखाना था, नहीं दिखाते। साइना खत्री को भी नहीं दिखाते, एटलीस्ट प्रिया गामरे का सीन सीरीज में अच्छा रखते। उसी को देख के ही हम लोग खुश हो जाते। भाई क्या कहूँ मैं इस सीरीज के बारे में, अगर आप लोग स्किप करना चाहते हो तो आराम से कर दो। मैं इस सीरीज को देखा ही क्यों, अगर नहीं देखता तो इतना मुझे फ्रस्ट्रेशन नहीं होता। सीरीज में यहाँ पे आप लोगों को एक एक्ट्रेस देखने को मिलेंगी जिनके भाई सपने सच हो जाते हैं। रात में ये जो सपना देखती है दिन में सच हो जाते हैं। अब उस सपने में क्या दिखाया जाता है ये ना ही देखो तो ही बेहतर होगा। मैं कहूँगा दामाद जी सीजन 2 के पार्ट 2 का आने का वेट करो। वही बस एक सीरीज है जो आप लोगों को अच्छे तरीके से मजा देगी। स्किप करना है इस सीरीज को तो आराम से कर सकते हो। तो गाइस बस ये था वो रिव्यू जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो बस इसी के साथ मैं चलता हूं, मिलता हूं आप लोगों से किसी अपनी अगली वीडियो में।